स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट टीचर पर। आज हम बात करेंगे CRPF के पैरामेडिकल स्टाफ जो 2020 में भर्ती निकली थी उसके रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में। बहुत बड़ी अपडेट मिली है दोस्तों। जो दोस्तों हम मान रहे थे कि 23 मई को हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, होने वाला था, हमारे एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज होने वाले थे। कोई मेरा दोस्त है जो CRPF में लगा हुआ है फार्मासिस्ट की पोस्ट पे, उससे बात हुई है मेरी, तो बोला आपका एग्ज़ाम होने वाला था लेकिन अब उन सारे जो एडमिट कार्ड थे उनको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों अभी जो कोरोना काल चल रहा है उस वजह से रद्द कर दिए गए हैं और अभी अपने एग्ज़ाम है वो लगभग जुलाई के बाद में होने की संभावना है दोस्तों। क्योंकि वेबसाइट पे हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं देखने को मिलता, अपना जो नोटिफिकेशन है वही देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं वेबसाइट पर दोस्तों, तो हम देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है अपने को कि जो ये अपनी वेबसाइट जो 2020 का नोटिफिकेशन है पैरामेडिकल वाला, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। और रही इसमें एडमिट कार्ड की, तो दोस्तों एडमिट कार्ड है उन्होंने कहा कि आपका ऑफलाइन ही आएगा, ऑनलाइन आपकी लिस्ट निकलेगी। जैसे अपनी फिजिकल के लिए लिस्ट निकली थी वैसे ही ऑनलाइन लिस्ट ज़रूर आएगी दोस्तों अपने एडमिट कार्ड की, और एडमिट कार्ड है वो अपने घर पर ऑफलाइन ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। और दोस्तों रही बात अपने सब्जेक्ट की तैयारी की और बाकी जो अदर हैं रीजनिंग मैथ वगैरह की, तो दोस्तों लगातार तैयारी करते रहें आप, क्योंकि आपको पता है अब कंपटीशन कितना हो गया है। आपको पता है कि जो हमारी रनिंग हुई थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया है, तो दोस्तों अभी कम से कम जुलाई के बाद में हमारा एग्ज़ाम होने की संभावना है। लगभग जुलाई में अपने एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर करें, जिससे हमारे मित्रों को पता चल सके कि एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है। दोस्तों धन्यवाद।